हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 3.3 का ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, अब आपको जो नंबर्स दिए हैं दोनों ही नंबर में आपको डेसिमल है, सिंपली आपको डिवाइड है, तो आपको क्या लिख देना है, इसको रैशनल फॉर्म में लिख देना है। 31.68 डिवाइडेड बाय 6.6। अब आपको ये इस नंबर का डेसिमल रिमूव करना है, तो डेसिमल का 1 हो गया, इसके बाद कितने जीरो हैं, कितने नंबर हैं आपके पास, 2। तो आप यहाँ पे कितने जीरो ऐड करोगे, 2। अब इस नंबर का डेसिमल रिमूव करेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे उसको, इस पोजीशन पर, न्यूमरेटर प्लेस पर। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 10। अब इसे हम कट करेंगे, 6 1 जा 6 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12, यहाँ पे क्या बचा, 4 एंड 8, 6 8 जा 48, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, यहाँ क्या बचा आपके पास, 8 8 एंड 88, 11 8 जा 88। तो आपका आंसर क्या आ गया, 48/10। अब डेसिमल कहाँ लगाओगे, कितने नंबर बैक जाएगा, यहाँ पे डेसिमल कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स कहाँ है, लास्ट में। अब ये कितने नंबर बैक जाएगा, 10 है तो 1 प्लेस, तो ये कहाँ आ जाएगा, 4 एंड 8 के बीच में, तो इस प्लेस पर ये डेसिमल को आप यहाँ लगाओगे, ये आपका क्या होगा, आंसर। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों ही नंबर दिए हुए हैं, दोनों डेसिमल में हैं, तो आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे। पहले तो डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आपने कितने जीरो ऐड कर दिया, 5। अब इस नंबर का जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो इसका कहाँ लिखेंगे हम, न्यूमरेटर प्लेस पर। कितने जीरो इसके पास, 4, क्योंकि किसके बाद, डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है, तो यहाँ पे कितने जीरो ऐड करने होंगे आपको, 4। 4 0 से 4 0 कट हो गया, यहाँ क्या बचा आपके पास, 10। और ये नंबर सबसे पहले आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 4 0 जा 0, 4 9 जा 36 एंड 36 के बाद 3 एंड 2, 4 8 जा 32। फिर इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना बचा, 2 एंड 7 2 एंड 8 28, 4 7 जा 28, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 1 एंड 3 13, 4 3 जा 12, 1 एंड 6 16, 4 4 जा 16। अब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। यहाँ पर देखो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10। अब आपका 1 में डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ क्या लगाओगे आप, 0, फिर 1 और 3 क्या हो जाएगा, 13, 2 6 जा 12, यहाँ पे 1 एंड 4 14, 2 7 जा 14। अब आपका ये जो नंबर है, ये आया आपका ये थर्ड में आप जो डिवाइड करोगे, 19 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको 19 से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 19 नहीं, आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, अब यहाँ पे 4 में 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, 7 0 जा 0, 7 7 जा 49। अब आप यहाँ 7 से डिवाइड करो, 7 8 जा 56, 2 एंड 5 25, तो 7 3 जा 21, अब यहाँ कितना बचा आपके पास, 4 एंड 0 40, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 4 एंड 0 40, 7 5 जा 35 हो जाएगा, बचा यहाँ 5 एंड 6 56, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7। अब ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा आपका, 19 से डिवाइड होगा, तो 19 5 जा 95, यहाँ क्या बचा आपके पास, 5 5 एंड 7 57, तो 57 में क्या हो जाएगा, 19 3 जा 57। जब आप इस नंबर को 19 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 3 9 9। ठीक है, अब आपके पास ये जो नंबर बचे हुए हैं 53, ये प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 10 बचा हुआ है। अब आप 4 3 9 9 में 53 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 83, और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ आपके पास, 10। तो अब डेसिमल कहाँ लेके जाओगे आप, यहाँ लास्ट में है, कहीं नहीं, इट मीन्स कहाँ है, लास्ट में, कहाँ जाएगा, 1 नंबर बैक जाएगा, तो 8 और 3 के बीच में डेसिमल आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 8.3।
अब सेकंड के ही क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, मैंने आपको टू क्वेश्चन बताए हैं, आपको ट्राई करना है डिवाइड करके। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप डाउट सेशन में पूछोगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। आपको जूली है, इस क्वेश्चन में दिया है कि जूली है, उसके पास स्ट्रिंग है, उसका लेंथ कितना है 8.46 मीटर, और वो कितने पीसेस में डिवाइड करती है, सिक्स पीसेस में। तो हमें हर एक पीस का क्या फाइंड करना है, लेंथ। तो हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें हम कितने पीसेस हैं उसका डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम डेसिमल रिमूव करेंगे, तो वन, कितने हैं आपके पास नंबर यहाँ पर डेसिमल के, आफ्टर डेसिमल टू, तो यहाँ पे कितने जीरो ऐड करोगे आप, टू जीरो ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई सिक्स, ये ऑलरेडी था, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, टू एंड फोर 24, सिक्स फोर जा 24, सिक्स वन जा सिक्स। अब यहाँ पे 100 है, डेसिमल लास्ट में है, कहाँ जाएगा, कितने नंबर बैक जाएगा, टू जीरो है तो टू नंबर बैक, वन एंड वन टू, तो यहाँ पर आपका डेसिमल आ गया। तो हर एक पीस की जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी होगी, 1.41 मीटर। ओके, अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर फोर है ये आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम होगी, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन है, इसमें से मैंने आपको फर्स्ट एंड थर्ड बताया हुआ है, बाकी जो क्वेश्चन है आपको डिवाइड करना है, और जो भी डाउट होगा, जो प्रॉब्लम होगी आप मुझे मैसेज कर दोगे, मैं उन क्वेश्चंस के वीडियो आपको डाल दूंगी। ओके,